वाराणसी में रात 11:30 बजे दुकान बंद कर जा रहे बाप बेटे पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी एक वीडियो फेसबुक पर काफ़ी वायरल की जा रही है। बुनकर वॉइस न्यूज़ से उसकी पुष्टि नहीं करता, देखिए वो वीडियो। वो रात को से दुकान बंद कर 11:30 बजे तक आ रहे थे, दुकान बंद कर भैरवनाथ त्रिदेव होटल के पास 8 अज्ञात लोग मिलकर हमको हमारे भाई को और हमारे पिताजी को जानलेवा हमला किए, जिससे भाई को गंभीर रूप से चोट आई है, पिताजी को गंभीर रूप से चोट आई है, उसकी वजह से उनको हम लोग घर भेज दिए। और यहाँ रात का इस टाइम 2 बज रहा है, हम मैदानी थाना कोतवाली के पास खड़े हैं, यहाँ हमारा काम चल रहा है और यहाँ काम बहुत स्लो हो रहा है। भोजपुरी सिंगर समर सिंह को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अदालत में काफ़ी चहल पहल रहा, काफ़ी धक्का मुक्की हुई, पुलिस को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, देखिए एक रिपोर्ट। फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी समर सिंह को भारी गहमागहमी के बीच अदालत में पेश किया गया। समर सिंह की पेशी की सूचना पर आकांक्षा दुबे के समर्थक अच्छी खासी संख्या में कचहरी परिसर में पहुंच गए थे। इसके मद्देनजर कचहरी परिसर में भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान भी तैनात किए गए थे। समर को देखते आकांक्षा दुबे के प्रशंसकों ने जबरदस्त हूटिंग की और उस पर हमले का प्रयास भी किया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के कारण समर पर हमला करने में किसी को भी सफलता नहीं मिली। पुलिस अपने सुरक्षित घेरे में समर सिंह की पेशी के बाद उसे वाहन में बैठाई और फिर जिला जेल ले गई। इस बीच पत्रकारों ने आकांक्षा दुबे की मौत के संबंध में समर से कुछ सवाल पूछे, लेकिन वह सिर झुकाए चुप्पी साधे रहा। ये जो आकांक्षा दुबे का जो प्रकरण था, उसके जो नामित अभियुक्त थे समर सिंह, उनको जो है यहाँ पर आज मजिस्ट्रेट के सामने जो है रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया था, उन्हीं के लिए हम सभी लोग जो है उनको पेश किया गया। सर अंदर कोई हमला हुआ है क्या? नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ था। नहीं नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जो है उनको अपनी कस्टडी में जो है सुरक्षित उनको अंदर रिमांड के लिए प्रस्तुत किए हैं और सुरक्षित उनको जो है जेल में भेज दिया गया है। अपने आसपास की खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक वाइब के साथ। अपने क्षेत्र का न्यूज़ पाने के लिए वीडियो बनाएं और उसको मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें।